हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं, देखो पौने 11। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और सबने नहा धो लिया है, काम भी सारे फिनिश हो गए हैं। ये गए हैं सब्जी लेने, मशीन लगाई हूँ मैं, कपड़े धुल रहे हैं, सब्जी लेने गए हैं। आप तो मैं भी अच्छा आता था ना, आते हैं ना। और एक मिनट, ये देखो इधर आओ, ये साइड से आओ, ये साइड से आओ। देखो कहाँ जा रहे हैं ये, कहाँ जा रहे हो इसे रेडी शेडी होके? कहाँ जा रहे हो सब? सूज निकालो, घर के अंदर सूज नहीं पहनते। सूज निकालो, सूज सूज निकालो, आरुष सूज पहन के घर में ही घूमते रहते, बाहर नहीं जाने मिल रहे हैं ना हमें, तो घर में ही अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मोबाइल रखो बेटा। और ये देखो बाल खुद से काटा है आरुष ने। और सब अपना काम आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे से अभी वो मूवी आने वाली है ना, एक कौन सी अक्षय कुमार की, तो वो सबको देखना है। लक्ष्मी, हाँ, तो वो देखने के लिए ये सब ने फटाफट से सावर ले लिया। फटाफट क्या, 11 बजे कोई जल्दी तो है नहीं, लेकिन वो देखने के लिए लोग ने जल्दी किया। तो मैं भी जा रही हूँ, बैगन है, बैगन रखूँगी बॉयल करने के लिए। चोखा बनाऊँगी, चोखा और रोटी, बाटी नहीं बनाऊंगी, जवारी है, जवारी का आटा है, तो जवारी की रोटी बनाऊंगी और चोखा, यही रहेगा आज का। ये देखो कबूतर, दो कबूतर लड़ाई कर रहे थे हमारे पत्र पे। ये उसका क्या बोलते हो, ग्रिल के ऊपर लगा रहे थे ना पत्रा, उसके ऊपर लड़ रहे थे, तो फिर एक ने शायद काट लिया, दूसरा नीचे गिरा डायरेक्ट थर्ड फ्लोर से और शायद उसको चोट आई ज्यादा। पापा बोल रहे अभी मुझे लड़ रहे थे, आदि ने देखा, आदि ने बोला मैं हॉल में थी, हॉल के पत्र पे, और सब खड़खड़ कर दिया बस पत्र पे, बहुत गुस्सा हो गया था ऊपर अपने। हाँ। कुछ कर भी नहीं सकते ऊपर, मतलब हाथ भी नहीं जाएगा, कुछ डंडे वगैरह से करेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो सब्जी आ गई थी और धुल के उसको मैं रख दी थी सूखने के लिए, तो सूख गया था, तो सारा मैं देखो रख दी हूँ अंदर। और ये कद्दू थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो उतना कट करके निकाल दी मैं, नहीं तो फिर और वो बढ़ जाता। और यहाँ से मैं ले रही हूँ बैंगन और टमाटर, चोखा बनने वाला है लंच में, चोखा और रोटी। चोखा बाटी मोस्टली बनाती हूँ बट आज बाटी नहीं बनाऊँगी, जौहरी की रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे बैगन मैं चेक कर रही हूँ थोड़ा सा कट कट करके, क्योंकि अंदर ख़राब होता है, फिर भून दो या बॉईल कर दो तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पे आलू रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए, और बैगन और टमाटर तो भूनना है। सारे बैठ के देख रहे हैं ना कि घर को ही होम थिएटर बना दिए हैं, पूरे पर्दे वगैरह लगा के एकदम अंधेरा करके मस्त लेट के और मूवी देख रहे हैं। और मैं आ गई किचन में, मैं मेरी वाइटी से ही खुश हूँ। मुझे वाइटी छोड़ के टाइम का है मूवी देखने का, मैं भी चलो किचन में काम करती हूँ। अभी आलू रखी थी, आलू बॉयल हो गया है, बैंगन और टोमेटो को भूनूंगी, भूनने से स्वाद अच्छा आता है चोखे का। बॉयल करने से और भूनने से, भूनने वाले का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको रखती हूँ भुनने के लिए। लहसुन छील रही थी थोड़ी देर में भी देखी, 15-20 मिनट, क्योंकि काम कर रही थी वहाँ पे, लहसुन नहीं था, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, तो वहाँ पे बैठ के लहसुन छील रही थी, तो थोड़ी देर में भी देखी। आलू भी चिल्ला रहे हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा सा टूट जाता है तो भी अच्छे से होता है, लेकिन वो एक बार वो ज़्यादा छिटकता है, लहसुन ही छिटकता है। वो एक साथ बना के रख लो ना मिक्सी जार में पीस के, वो अच्छा रहता है। हो गया, आलू बॉईल हो गई थी तो उसका छिलका उतार ली हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें नमक ऐड करके मिक्स कर दूँगी, फिर इसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी और चोखा रख दूँगी, फिर इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए तैयारियाँ सारी कर ली हूँ, तो यहाँ कढ़ाई में ऐड की हूँ मैं ऑयल, और इसके बाद इसमें ऐड की हूँ जीरा और राई, और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च,
मिर्च थोड़ी सी पक जाएगी, फिर इसके बाद इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, बस हल्का सा ही भूनना है। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैगी मसाला। मैगी मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है चोखे का। और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं, बस वही मैगी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, बस इतना ही मसाला है। तो मसाले को 2 से 3 मिनट तक भून ली हूँ। इसके बाद इसमें ऐड कर दी हूँ मैश किए हुए आलू। तो इसको इसी तरह से कंटिन्यू मिक्स करते हुए पका लेना है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे चोखा हमारा बनके रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर कर देना है गैस को ऑफ। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, जौरी का आटा है ये। इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड की हूँ। चोखा तो बन गया है और यहाँ पे मैं रोटी भी सेक ले रही हूँ, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और लोग मूवी देख रहे थे, मूवी भी ख़त्म हो गई है। तो मैं सोची चलो बना देती हूँ। और ये जौरी की रोटी है तो इसको जब खाने का टाइम हो तो ही बनाओ, तभी अच्छा लगता है गरम गरम, नहीं तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है ज्वार की रोटी। आज हवा चल रही है, अच्छे लग रहे हैं। बारिश आ जाती तो भी मजा आता, भीगने जाते ना, भीगने जाओ ऐसे मैं भीगने जाऊंगी। शाम हो गई रे बाबा। आए थे थोड़ा नीचे घूमने के लिए, क्योंकि घर में बैठ बैठ के बहुत पैक पैक सा लग रहा था, तो सोचे कि थोड़ा सा नीचे घूम टहल के आते हैं 5-10 मिनट। तो मैं तो जा रही हूँ, आदि और आरुष है यहीं पे, ये हैं तो रहेंगे अभी वो लोग थोड़ी देर। अभी आ रही हूँ मैं पूजा करके, और थोड़ी देर इधर पे बालकनी में बैठी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सुबह में ठीक है, ये टाइम पे किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैं सोची बैठती हूँ थोड़ी देर, और अभी पता भी नहीं है क्या बनेगा, सबको एक करी खाना है और इतनी टाइम तो एक मिलना इम्पॉसिबल है। देखो अगर मिल गया तो वही बनाऊँगी, नहीं तो कुछ और बनाऊँगी, सब्जी और रोटी बना दूँगी। तो चलिए फिर मैं कर देती हूँ ब्लॉग अभी यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आरुष फोन लिया है दूसरा, उसमें वो नहीं रहता है इतनी पैदा वो सब लगा के आरुष ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।